डिप्रेशन ना एक ऐसी चीज है जिसका सामना शायद हम अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर करते हैं। दूसरों के सामने बहुत हंसी खुशी बिहेव करना, और जब सब चले गए हो और आप अकेले में हो, तब कुछ ऐसा फील करना अंदर ही अंदर कि आप एडिक्वेट नहीं हो, जबकि सबको लगता है यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। बट बहुत बार इस तरह की चीजें आपके दिमाग में घर करने लगती हैं, धीरे धीरे आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। एंड ये ना कुछ बहुत ही इनिशियल सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के, और इस समय बहुत जरूरी होता है कि आप अपने घोड़ों पे लगाम लगाएं। इस समय ये जरूरी होता है कि आप जितना भी ज्यादा पॉजिटिव्स की ओर अपना ध्यान आकर्षित कर सकें। पता है मैं क्या करती हूँ, जब मुझे ऐसा लगता है कि डिप्रेशन जो है, एक काला बादल जो है अब मेरे दिमाग के ऊपर घूमना चालू किया है, या कुछ नेगेटिव थॉट्स कंटिन्यूसली आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं लंबी सांसें भरती हूँ, एटलीस्ट 10-20, और उसके बाद में मैं फोकस करना चाहती हूँ सारी पॉजिटिव्स पे। जो भी कुछ पॉजिटिव हो रहा है उस पर मैं फोकस करने लगती हूँ, और मैं ये सोचती हूँ कि जो ये नेगेटिव चीजें जो मेरे दिमाग में आ रही, इससे क्या चीज पॉजिटिव हो सकती है। मे बी ऐसा हो जाए, मे बी इस नेगेटिव यू नो इंसिडेंट से कुछ अच्छा पॉजिटिव इंसिडेंट फॉलो करे, तो इस तरह का ख्याल दिमाग। साथ ही मैं दूसरों को मोटिवेट करना चालू कर देती हूँ। ये बहुत ही अच्छा सीक्रेट है मैं बता रही हूँ, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप जो चीजें बोल रहे हैं आप कैसे उन चीजों पे अमल करने लगे। क्योंकि जब हम किसी और को मोटिवेशन दे रहे होते हैं तो हम बहुत अच्छे से पूरे पॉजिटिवनेस के साथ में बोलते हैं, और हमको वो फील करना चाहिए, तभी दूसरा हम पे विश्वास करेगा कि यू नो यू आर टॉकिंग सेंस। तो आप जब पॉजिटिव चीजों को उठा करके उन पे कॉन्सेंट्रेट करना चालू करते हैं, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो जाए, तो मैं ये करती हूँ और इस तरह के वीडियोस बनाती हूँ। कुछ भी चीज़ उठा के, हो सकता है कि आपने कोई यू नो कोई इंसिडेंट भेजा हो, या फिर मे बी कोई वन ऑफ यू फॉलोअर्स माइट बी यू नो गोइंग थ्रू समथिंग एंड यू हैव टॉक्ड अबाउट दैट एंड आई जस्ट मेक अ वीडियो ऑन दैट। तो एक किसी और को मोटिवेट भी करना हो जाता है, साथ ही साथ इंटरनली मैं खुद मोटिवेट होती जाती हूँ। तो ऐसे ही करिए, आपको वीडियोस बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने परिवार में ही किसी को बस यूं ही बैठ के मोटिवेट कर दिया, उसको उसकी वाहवाही कर दी सबके सामने, उसको अच्छा फील करा दिया, देखो एकदम से आपके अंदर जो एनर्जीज जो है ना वो पूरी तरह से चेंज होने लगेंगी, वो पॉजिटिवनेस की तरफ जाने लगेंगी। ट्राई करके देखो, ये सच्ची मजा भी आएगा और यू विल बी आउट ऑफ इट इन अ स्नैप। एंड सोशलाइज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डिप्रेस्ड, बी अराउंड पीपल, इवन दो इफ इट्स लाइक वेरी हार्ड, बट उससे बहुत फायदा होता है। चलिए, आप सुन रहे हैं प्रियंका समीर तिवारी को मेरे YouTube चैनल पर, फॉलो दिस वॉइस।